हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करके। दोस्तों, जो स्मार्टफोन्स मैंने अमेजोन प्राइम डे सेल में बाई करा है, इस स्मार्टफोन में काफ़ी छूट मिली है मुझे और यह स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, स्मार्टफोन का नाम आप सभी जानते होंगे, Xiaomi Redmi Note 9 Pro। इससे पहले मैंने Note 9 Pro Max का रिव्यू करके आपको बता दिया था। काफ़ी नया स्मार्टफोन जब आया था, जब ही मैंने आपको उसका रिव्यू करके बता दिया था, लेकिन ये फ़ोन मैंने बाय करा है किसी को देने के लिए। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का रिव्यूज़ करके मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें ताकि आप कुछ नया सीख सकें। इस स्मार्टफोन में छूट आई थी इसलिए मैंने इसको बाय करा है। वैसे अगर आप 9 प्रो मैक्स लेते हैं तो ऑफकोर्स वो भी 12,999 रुपये में आपको मिल जाता है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक या फिर आईसीआई बैंक का जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो तो उसमें 3,000 का कैशबैक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, साथ ही 15,999 रुपये की रेट उसके भी फिलहाल तौर पर रखी जा रही है। तो इस प्रकार आप उसको भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसकी, उसको भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम उसका अनबॉक्सिंग करके और रिव्यू करके आपको बताने वाले हैं ताकि अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं तो उसका कैमरा कैसा है, साथ ही स्मार्टफोन कैसा है। आप सभी ने जान भी लिया होगा यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ की भरमार है, फिर भी हम अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं आपके लिए। अगर देखना चाहते हैं तो कुछ मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, ये इसकी पॉलिथीन है जिसमें ये पैक करके आया है। इस स्मार्टफोन की सबसे पहले हम कटिंग करके अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही ये स्मार्टफोन कैसा है वो भी जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ से इसकी रैप को हटा लेते हैं, पन्ने को जैसे ही हम यहाँ से निकाल लेते हैं। पन्ने निकालने के बाद इस स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, स्मार्टफोन काफ़ी शानदार है और काफ़ी सस्ते में काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया लगे हैं मुझे। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके अंदर से इसे ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से इसका जो ये बिल है इसमें इसकी एमआरपी रेट आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल एमआरपी नहीं, हमने जिसमें बाय करा है वो देखने को मिल रही है 12,999 रुपये। तो इस रेट में हमने इस स्मार्टफोन को बाय करा है। स्मार्टफोन का नाम आपको यहाँ दिख रहा होगा, रेडमी 9 प्रो। तो दोस्तों, यह है स्मार्टफोन। सबसे पहले हम इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको ऊपर से इसका रिव्यू दे देता हूँ, फॉर्मल रिव्यू, आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों, यहाँ से इसकी जो लिखी हुई है फलाना डिमका, आप सभी पढ़ लेना, जो कोई गौर की चीज़ है नहीं है, कोई पढ़ता भी नहीं है इन चीज़ों को। यहाँ पर पीछे वाले एरिया को भी कोई देखता नहीं है, फिलहाल दिखाने के लिए हमने रख लिया है। हाँ, ये बैकएंड में कुछ जरूर पढ़ लेते हैं हम। इसकी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720 का प्रोसेसर दिया गया है और साथ ही 48 मेगापिक्सल का प्रोसेसर, और इसके अंदर काफ़ी शानदार है और डॉट डिस्प्ले फुल HDR में आपको देखने को मिल रही है। स्मार्टफोन काफ़ी शानदार है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिलहाल मुझे स्मार्टफोन काफ़ी पसंद आया है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है वीडियो तो देख लें, वीडियो में वैसे भी आपका क्या चला जाएगा। तो दोस्तों, स्मार्टफोन की सबसे पहले कैची से हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इस स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग करके हम बताने वाले हैं और देखते हैं अनबॉक्सिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। वैसे एक्सपीरियंस तो क्या, हमने कितनी अनबॉक्सिंग कर रखी है, एक्सपीरियंस क्या देखना है इनमें, फिर भी एक एंजॉय पर्पज़ से मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इसकी। सबसे पहले इसको निकालते हैं और यहाँ पर मुझे याद है कि बेशक हमें एक कवर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हमने 9 प्रो मैक्स देखा था तो उसमें भी एक कवर देखने को मिला था। तो बैकेंड में ये देखिए, इसकी मैनुअल है, कोई पढ़ता नहीं है, फिर भी दे देते हैं ये। इसने काफ़ी शानदार और काफ़ी छोटी सी मैनुअल दी है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, वैसे इंटरनेट पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी मेरे को आप देखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। कवर काफ़ी फ्लेक्सिबल है, कवर भी काफ़ी शानदार है, ब्लैक कलर का दिया गया है। ठीक है, कोई काम का नहीं है, फ्री आया तो क्या कर सकते हैं, रख लो। इसके बाद में ये है स्मार्टफोन्स। इस स्मार्टफोन को ओपन कर लेते हैं। काफ़ी स्मूथली स्मार्टफोन को ओपन किया है हमने, और ये देखिए स्मार्टफोन को, यहाँ से इसको चालू कर लेते हैं। स्मार्टफोन चालू होता रहेगा, उसके बाद मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ, इसमें आपको क्या देखने को और मिल रहे हैं। इसको पटको, कोई काम का नहीं है। यहाँ पर आपको एक चार्जर मिलता है, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर। दोस्तों, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलेगा। MI का लोगो इसमें बना हुआ है, साथ ही ये आपको 5 वोल्ट के साथ देखने को मिलेगा।
दोस्तों चार्जर काफ़ी बढ़िया है, थोड़ी मोटाई भी ज़्यादा है और इसमें सी पोर्ट, आप इसके अंदर देखेंगे सी पोर्ट फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप इस बॉक्स के अंदर इस डिस्प्ले में देखते हैं तो 18 वॉट का यानी 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग फोन है ये। और ये देखिए इसकी केबल है, इस केबल के अंदर आपको यहाँ दिख रहा है कि सी पोर्ट फैसिलिटीज़ वाला ये स्मार्टफोन है, दिख रहा होगा आपको यहाँ से, ये नज़र आ रहा होगा, अभी नहीं आ रहा तो अब आ गया। तो दोस्तों यहाँ से नज़र भी आ चुका है आपको और देखिए ये, तो चलो ठीक है देख भी लिया, क्या मतलब आ रहा ज़्यादा देखने से। तो ये है हमारा ये स्मार्टफोन, सबसे पहले स्मार्टफोन्स को ले लेते हैं। MIUI 12 पर बेस्ड है ये स्मार्टफोन्स जो काफ़ी बढ़िया है। इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट करो और इसकी जो फॉर्मल नॉर्मल होती है जो चल लो कर लो इसको। स्मार्टफोन जैसे ही हमारा चालू हो जाता है, स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है, फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन से, और इसमें काफ़ी वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है स्मार्टफोन्स की प्राइस के बियाब पर। दोस्तों स्मार्टफोन्स ऊपर से आपको यहाँ पर दो प्रकार के सेंसर दिख रहे हैं, इसके जरिए आप अपने टीवी को या फिर अपनी किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में आपके काम आएगा। दोस्तों काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, यहाँ पर इसका लॉक फिंगर लॉक दिया गया है साइड वाला, अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बेशक बढ़िया चीज़ है, कर लेना चाहिए। दोस्तों मेरे पास सैमसंग का है लेकिन उसमें भी ये दिया हुआ है लेकिन काम कभी कभार ही करता है वो, तो इसका भी देखना पड़ेगा कि ये काम करता है या फिर नहीं करता। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं स्मार्टफोन को। यहाँ पर 4 कैमरा आपको देखने को मिलता है, इसमें 48 मेगापिक्सल का बैकएंड में कैमरा देखने को मिल रहा है जो इतना बढ़िया नहीं लगा, लेकिन अगर मैं 64 वाला लेता तो काफ़ी बढ़िया रहता। वैसे जिसके लिए मोबाइल लिया उसको कैमरे से मतलब नहीं है, केवल उसको मोबाइल के उपयोग से मतलब है। फिलहाल स्मार्टफोन में हमें ये वाली थीम काफ़ी पसंद आई और मैं इसी वाले को एक्टिव करके आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ से हमारा ये स्मार्टफोन का सेटअप कंप्लीट हो जाता है और स्मार्टफोन हमारा आगे बढ़ जाता है। दोस्तों स्मार्टफोन तो आप देख रहे होंगे और इसकी वीडियो भी आगे काफ़ी लंबी हो चुकी है और काफ़ी लेंथी हो चुकी है। हाँ लेकिन वीडियो आपको देखने में मज़ा आ रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुछ नया सीख सकें, कुछ नया जान सकें। वीडियो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, बनाने में मज़ा आया, काफ़ी दिन बाद आपके लिए वीडियो बनाई, तो आपको भी बोरियत फील हो रही होगी कि भैया टाइम टू टाइम वीडियो डाला करो यार मज़ा नहीं आता, उस स्थिति में मैंने आज आपके लिए ये वीडियो बनाकर डाल दिए ताकि आपको मजा आए। दोस्तों स्मार्टफोन चालू हो चुका है, फिंगर लॉक अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है मुझे तो, आपको हो तो आप चालू करके रख सकते हैं। फिलहाल स्मार्टफोन में जो नॉर्मल फीचर्स हैं जो सभी आपने देख रहे हैं, काफ़ी वीडियोज़ है, लेकिन इस वीडियो में जो स्मार्टफोन मुझे पसंद आया, क्योंकि ये ऐसे पसंद आया क्योंकि सस्ता फ़ोन आ गया तो काफ़ी पसंद आना ही था। हाँ पैसा ज़्यादा लगता तो मैं काफ़ी नया फ़ोन या काफ़ी दूसरा फ़ोन कबाड़ता, तो ये भी फ़ोन बढ़िया है, ठीक है अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। लैंग्वेज में कुछ अंतर आ रहा हो तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। फिलहाल बैकएंड के कैमरे का अपन उपयोग कर लेते हैं, बैक का कैमरा कैसा है, अगर बढ़िया लगे तो आप इस स्मार्टफोन को ज़रूर बाय करें। मुझे काफ़ी शानदार इसका बैकएंड वाला जो कैमरा है वो पसंद आया है। दोस्तों आप फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं, वीडियोज़ बनाएंगे, काफ़ी पसंद आएगी आपको और मुझे भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। हाँ फिलहाल DSLR जैसा इफेक्ट तो ये वीडियोस में नहीं देते हैं स्मार्टफोन्स, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो। कैमरे के बिहार पर स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये राउंड ऑफ घूमने में काफ़ी समय लगा रहा है और देखिए इतना समय लगाने में तो आदमी पता नहीं चांद की यात्रा करके वापस आ सकता है, ठीक है लेकिन चल रहा है। वैसे नॉर्मली मैं नॉर्मली मैं पोर्ट्रेट मोड में इसका एक फ़ोटोज़ कैप्चर करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा लगता है आपको। फिलहाल जो ये फ़ोटोज़ हमने कैप्चर किया है ये अगर आपको बढ़िया लग रहा हो तो देखें, काफ़ी शानदार मुझे तो नज़र आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप फ़ोन ख़रीद लो एक बार, उसके बाद में आपको भी नज़र आने लगेगा। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन का रिव्यू था, आपको पसंद आया होगा और मुझे तो काफ़ी पसंद आया, हंसी मजाक की बातें हो गई आप सभी के साथ, टाइम पास भी कर लिया बहुत सा। अगर आपको पसंद आया तो रखिए, नहीं आता तो रिटर्न कर, इसमें पॉलिसी है नहीं, फिर भी आपको रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी चॉइस है कि सस्ता स्मार्टफोन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, स्मार्टफोन अच्छा लगा हो तो रखो, अदरवाइज़ बाय मत करो। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।